हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल इस वीडियो में देखेंगे कक्षा नौ के विषय इंग्लिश के अर्धवासी पेपर से रिलेट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो यहाँ हम आप सभी के लिए जो आपकी थर्टीन दिसंबर से एग्जाम होने वाली है कक्षा नौ के विषय इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आए हैं इसमें से आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं पच्चीस से तीस मार्क्स के अवश्य मिल जाएंगे तो यहाँ हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक साथ लेकर आए हैं तो चलिए फटाफट से बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब दीज सीजर्स आर ब्लैंक हैवी तो यहाँ आपको ब्लैंक में फिल करना है करेक्ट ऑप्शन यहाँ हो जाएगा ऑफुली सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सीजर आर ऑफली हैवी सेकेंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब द लिटिल गर्ल लुक्ड ब्लैंक इट हर टेक्स्ट बुक टर्न इन हाफ तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सोरोफुली थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब हर लाइफ चेंज ब्लैंक व्हेन शी वॉन द लॉटरी तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन थर्ड कंप्लीटली ही

बी सो हंग्री नाव तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इफ़ यू हैड इटन अ गुड ब्रेकफास्ट यू वुड नॉट बी सो हंगरी नाव नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट देंटेंस अप्रोप्रिएटली ब्लैंक यू आंसर ऑल ऑफ माई क्वेश्चन आई कैंट डू एनी थिंग टू हेल्प यू तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अनलेस यू आंसर ऑल ऑफ माई क्वेश्चन आई कॉन्ट डू एनी थिंग टू हेल्प यू नेक्स्ट सेफेंथ सेवेंथ क्वेश्चन है यू विल बी सिक ब्लैंक यू स्टॉप इटिंग यहाँ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट अनलेस यू विल बी सिक अनलेस यू स्टॉप इटिंग नेक्स्ट शी वुड बी हियर बाय नाउ ब्लैंक शी वॉज नॉट स्टक इन ट्रैफिक ट्रैफिक तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा she would be here by now if she was not struck in traffic तो इस तरह से ये था नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम सभी जो क्विज का आपकी जो अब तक की क्यूज़ हुई हैं आपकी कक्षा नौ के सब्जेक्ट इंग्लिश की हम उन सभी क्यूज़ को एक साथ लेकर आए हैं ताकि आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली इनमें से पच्चीस से तीस मार्क्स के क्वेश्चन मिल सके क्योंकि आपकी सिलेबस में भी लिखा हुआ है कि जो पिछली क्वीज़ आई हुई हैं है, उन उनमें से डेफिनेटली आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मिलेंगे तो यहाँ आपको बिना आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पिछले क्विज़ देखने के लिए क्योंकि हम सभी जो आज मतलब अब तक की सैटरडे तक जो भी क्विज़ हुई है हम इसमें इस वीडियो में लेकर आए हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इवेल इन क्लीन इज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन बी ग्रेजुअल वॉट डज ग्रेजुअल मीन यहाँ हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट स्लो ग्रेजुअल का मीन स्लो है फॉर क्वाइट ऑफ वाइल्ड एवेलिन मैनेज टू कैंसिल हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स वीन कंसिल यहां हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हाइट कौंसिल यानी हाई नेक्स्ट क्वेश्चन है बट वाई दाइम शी वॉज इलेवेन यू विल हर मार्क्स हैड डिटेनेटेड

नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्ट वॉज शीर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क वट डज शीर मीन शीर का अर्थ बताना है आपको यहाँ तो हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा टोटल नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ थ्री कोर्स, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ दॉप अवार वट डज कैप्चर्ड मीन तो यहां हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट वॉन नेक्स्ट है इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच इवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग वॉट डज इंट्रिगिंग ट्रिगिंग मीन तो यहां हो जाएगा इंट्रिगिंग का मीन थर्ड ऑप्शन फैसिनेटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है एवेलिंग कन्फेसिज दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वाकोलिक वर्ट कन्फेस मीन तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट एडमिट कन्फेस करना किसी के सामने अपने आप को सरेंडर करना या एडमिट करना ठीक है तो यहाँ इसके सभी के मीन हो जाते हैं कन्फर्म कन्फेस्ट uh, यानी एडमिट और इस का लास्ट क्वेश्चन है एंड नॉट नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन इन नॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस मिलियन मीन तो यहां हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट यूज चलिए नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव फर्टाइल सोइल इज ब्लैंक फॉर एग्रीकल्चर तो यहां हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट इनडिसपेंसेबल नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एजेटिव आई एम हाईली ब्लैंक बाई द प्रोग्रेस यू मेड रिसेंटली यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर थर्ड इम्प्रेस्ड नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एजेटिव वी कैन ब्लैंक यू ऑफ आवर फुल सपोर्ट यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन एश्योर नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑल दैट ब्लैंक वर्क हैज़ मेड हिम एवरी मस्कुलर यहाँ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट आउटडोर आउटडोर वर्क नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव द प्रोफेसर वॉज ऑलवेज अवेलेबल गिव हिम ब्लैंक एडवाइस यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर सेकेंड ऑप्शन पैटर्नल नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव मैनी एम्प्लॉयज वर्क आर्स ऑफ अनपेड ओवर टाइम यहाँ हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट काउंटलेस नेक्स्ट है चूज द करेक्ट एक्जिव दीज एंटीक पेंटिंग्स आर ब्लैंक यहाँ लिख देंगे सेकेंड ऑप्शन करेक्ट प्राइसलेस पेंटिंग्स आर प्राइसलेस नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस बक्सिट का चूज द करेक्ट एक्जिव द ओल्ड मैन वॉज ब्लैंक एंड ऑलवेज सॉ द बेस्ट इन एवरी सिचुएशन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक चलिए नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है आपकी फोर्थ सेप्टेम्बर की जो क्वीज हुई थी आपकी चलिए देखते फर्स्ट क्वेश्चन का लाइक मैकडोन केजिया फादर कुड नॉट प्ले विद हर बिकॉज यहां आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट ही वॉज टू टायर आफ्टर वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन है केजिया वॉज स्कैड ऑफ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हैविंग नाइट मार्स नेक्स्ट है द बिच इज इनकेस यर्स माइट मे हैड नाइट मेयर हैड तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन अ ड्रेड फुल स्माइल नेक्स्ट है वाई वर्स केजिया लेफ्ट अलॉन एट होम विद हर कुक तो यहां आंसर हो जाएगा करेक्ट आपका ऑप्शन थर्ड बिकॉज हर मदर एंड ग्रांड फादर वेंट टू हॉस्पिटल नेक्स्ट है केजिया वॉज बीटन अप बाय हर फादर विद अर रूलर बिकॉज यह हो जाएगा फिफ्थ ऑप्शन करेक्ट शीटोर द पेपर्स ऑफ हर फादर्स स्पीच नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिन क्वेश्चन वॉज मेड ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा येलो सिल्क सेवेंथ क्वेश्चन है इस वर्कशीट का व्हाई ग्रांड मदर सैन केजिया टू हर फादर ऑन संडे तो यहाँ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन का राइट टू मेक आर अंडरस्टैंड हर फादर बेटर और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का शी शीटर्व द क्वेश्चन केस विद पेपर्स आइडेंटिफाई वर्ब इन गिविन सेंटेंस यहाँ आइडेंटिफाई करना है वर्ब को तो जो है केस ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखेंगे ये है पच्चीस सेप्टेम्बर की आपकी क्वीज तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका हु बॉट टोटो होम एंड वाई तो यहां आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट द ग्रांड फादर बॉर्ड टोटो होम एज मंकी लुक्ड आउट ऑफ प्लेस सेकेंड है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा यहाँ ऑल ऑफ दी करेक्ट हैं द मंकी वॉज वेरी प्रीटी द मंकी लुक्ड लुक द मंकी हैड पियरली वाइट टीथ थर्ड है वाई वॉज टोटोज प्रेजेंस कैप्ट सिक्रेट बाय द ग्रांड फादर यहाँ ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा बोथ वन एंड टू बिकॉज द ग्रांड फादर डिड नॉट वॉन्ट द ग्रांड मदर टू मेक अ फ्यूज हो जाएगा बिकॉज ही वॉन्टेड टू वोट फॉर द द्रांड मदर टू बी इन अ गुड मूड फोर्थ क्वेश्चन है ग्रांड फादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजर हु इज आई इन दिस स्टोरी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा द ऑथर फिफ्थ है हु वॉज टोटोस कंपेनियन इन द तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट द डंकी नेक्स्ट है वॉट द मीनिंग ए प्रेरेंट तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका करेक्ट फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबर ऑबियस क्लियरली अंडरस्टूड क्लियरली विजिबल ऑप्शन फोर्थ का हो जाएगा ऑल ऑफ दी क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअली ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा ग्रेजुअली यानी स्लोली और लास्ट क्वेश्चन है इस बॉक्शीट का वॉट डिड टोटो डू वैन हिज बाथ वॉटर बिकेम कोल्ड तो यहाँ हो जाएगा ही वुड गेट आउट एंड रन टू द किचन फाइट इन ऑर्डर टू ड्राई ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है सिक्सटीन अक्टूबर की क्वीज आपकी जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन had seen much too larger to his mother what did, th uh, what did she think about him <laughs> now check okay, option second correct he was a freak next for uh, next second question is, who called einstein brother boring and why first option correct his playmates because he did not know what to do with other children third is, looking at his newborn sister Maza. ई डिड आइंस्टीन से फाइंड बट वेर आर हर व्हीज यह हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट बिकॉज ही थॉट हे सिस्टर वॉज अ मैकेनिकल टॉय फोर्थ क्वेश्चन है विच पैसेज पैसे दैट आइंसटीन वॉज अ गिफ्टेड अमेटियर वायलेंस्ड यहां हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन थर्ड थर्ड करेक्ट हो जाएगा थ्री नेक्स्ट है बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पुपिल व्हाट डज पुपिल मीन तो यहाँ आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑल ऑफ द स्टूडेंट स्कूल चाइल्ड स्कूल बॉय ऑल ऑफ द नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड आइंस्टीन लीव हिज स्कूल फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आइंस्टीन हेटेड द स्कूल्स स्ट्रीट डिसिप्लिन सेवंथ क्वेश्चन है ही विल सक्सेस एट एनीथिंग सेट टू होम फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अटर अटर जो है यह हो जाएगा आपका एडव चलिए नेक्स्ट देखेंगे तेईस अक्टूबर की है ये क्वीज जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक द थ्योरी ऑफ रिलेटिव दैट यह हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोलूट से हु एंड एनर्जी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है वॉट डिड अल्बर्ट वॉन्ट टू डू आफ्टर फिनिशिंग हिस्स स्टडीज सेक्ट हो जाएगा ही वॉन्टेड टू मैरी मिलगा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स मिलीफा वॉज नॉट एन इंटेलिजेंट वूमेन तो हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन फॉल्स ठीक है नेक्स्ट है वाई डिड अल्बर्ट मैरीज फॉल्ट तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बोथ वन एंड टू बिकॉज दे बिकेम एन अनहैप्पी हाउस वाइफ नेक्स्ट है हुम डिड अल्बर्ट मैरी आफ्टर ही गॉट डिवोर्स्ड यहाँ हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हिज कजिन सेवेंथ क्वेश्चन है अ फ्यू इयर्स लेटर द मैरिज फॉल्ट वाई डज फॉल्टर मीन वॉट डज फॉल्टर मीन वॉट फॉल्टर का मीन क्या है यहां पर फर्स्ट ऑप्शन लॉस स्ट्रेंथ और लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का हिज प्राइवेट लाइफ वॉज आइडेंटिफाई द एग्जेक्टिव यहाँ हो जाएगा प्राइवेट फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे सिक्स नवंबर की आपकी क्वीज़ है uh, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है लाइक मैकडोनल्ड केजियास फादर कुड नॉट प्ले विद हर बिकॉज यहाँ हो जाएगा आंसर करेक्ट थर्ड ऑप्शन ही वॉज टू टायर्ड आफ्टर वर्केंड सेकेंड क्वेश्चन है केजिया वॉज केयर ऑफ यहाँ हो जाएगा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हैविंग नाइट मेयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सी स्टव द क्वेश्चन केस विथ पेपर्स आइडेंटिफाई दी वर्ब इन गिव सेंटेंस यह हो जाएगा करेक्ट थर्ड ऑप्शन स्टफ। नेक्स्ट है वॉट इज द मीनिंग ऑफ एपेरेंट यह हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ करेक्ट ऑल अप अवर एवियस क्लियरली अंडरस्टूड क्लियरली विजिबल नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है वॉट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेजुअली ग्रेजुअली अर्थात स्लोली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एट हिज न्यू पोर्न सिस्टर माजा वाई डिड आइंस से यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बिकॉज ही टॉट ही सिस्टर वॉज अ मैकेनिकल टॉय सेवेंथ है वाई डिड आइंस्टीन लीव हिज स्कूल यहाँ ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा स्कूल स्ट्रीट डिसिप्लिन और एट क्वेश्चन है ही अटल एवरीथिंग ट्वाइस आइडेंटिफाई जाएगा ट्वाइस ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है आपकी तेरह नवंबर की क्विज़ है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज दी ऑथर बोन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट इन रामेश्वरम सेकेंड क्वेश्चन है चूज दी करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन चूज करना है चारों में से तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन है कलाम्स फादर वॉज वेरी वाइज एंड जेनरस थर्ड क्वेश्चन है वेन वॉज कलाम हाउस बिल्ट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट इन मिडिल ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन फिलिंदी ब्लैंक द एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ कलाम बिल्ट विद यह हो जाएगा ऑप्शन फोर सीमेंट और ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन फिलिंदी ब्लैंक कलाम्स हैड अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड बिकॉज

यहाँ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करें बिकॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टैंड और लास्ट क्वेश्चन है का हाउ डिड कलाम हर्न हिज फर्स्ट वेज तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन कुछ जाएगा बाय कैचिंग द बंडल्स ऑफ द न्यूज़पेपर थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन चलिए लास्ट देखेंगे ट्वेंटी ऑफ नवंबर की क्विज़ आपकी तो यहां फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टैंडर्ड अब्दुल वॉज वेन द न्यू टीचर विद अ कंज़र्वेटिव माइंड हैड कम टू हिज क्लास यहां हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट फिफ्थ स्टैंडर्ड सेकेंड क्वेश्चन है द नेम ऑफ मेरी साइट सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड नियर टू अब्दुल्स हाउस वाइफ हाउस वॉज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा रामाती रामाती थर्ड है सुब्रमण्य एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अब्दुल कलाम वॉज तो यहां हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट

सिक्स क्वेश्चन है इंडियंस विल बिल्ड देर ओन इंडिया हु सेट दिव लाइंस इंडियंस विल बिल्ड देअ इंडिया तो यहाँ हो जाएगा ये सेंटेंस किसने कहा था महात्मा गांधी ने सेवेंथ है सिर्फ सुब्रमण्य एम टू तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड टू ब्रेक सोशल बैरियर दैट रिस्ट्रिक्टेड पीपल टू मिंगल एर्थ है द वाइफ ऑफ अब साइंस टीचर वॉज हॉरीफाइड विद दी तो यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय इन्वाइटेड टू डेमर है हाउ वॉज दाइफ ऑफ अब्दूस साइंस टीचर इनिशियली तो यहाँ हो जाएगा थर्ड ऑप्शन करेक्ट शी वॉज कंजर्वेटिव और लास्ट क्वेश्चन है हु वॉन्ट द टीचर नॉट टू स्प्रेड कॉम्यूनियल Intolerance यहाँ हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लक्ष्मण शास्त्री तो इस तरह से हमने देखा आपकी कक्षा नौ के विषय इंग्लिश का कंप्लीट क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन तो उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा इस सॉल्यूशन को ये कंप्लीटली जो आपके विषय इंग्लिश की अब तक की क्विज आई हैं सभी का हमने एक ही वीडियो में आ, लाया है वीडियो जो इंग्लिश से रिलेटेड है आपकी क्विज़ उनके ताकि आप जो अपने मार्क्स हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के ट्वेंटी फिफ्थ पच्चीस से तीस मार्क्स आपके अवश्य इन क्वेश्चन से मिलने वाले हैं क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको यही दिया गया है कि आपकी जो पिछली क्वीज आई हुई हैं उनमें से मिलेंगे या जो आपको चार ऑप्शन के करेक्ट करने के लिए जो क्वेश्चन दिए जाएंगे ठीक है तो उम्मीद है आपने अच्छे से समझा होगा और समझेंगे और इसे लर्न करेंगे पूरी वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट सभी को लर्न करेंगे और अपना पेपर अच्छे से देंगे हम उम्मीद करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो आ, हमारे पास रियल पेपर उपलब्ध नहीं हो पाया है क्योंकि आपका रियल पेपर तो आया नहीं है तो हमने आपके लिए पूरा ये मॉडल पेपर तैयार किया है बहुत मेहनत से तैयार किया है तो आप इसे ज़रूर लर्न करके जाएं अपने एग्जाम पेपर से पहले ठीक है हम उम्मीद करते हैं आपके एग्जाम पेपर बहुत ही अच्छे हों और आपकी क्लास से रिलेट और भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद